देखिए ये जो दशहरे का त्यौहार है, ये हमारा एक जो अच्छाई की बुराई पर जो विजय का एक त्यौहार इस है, हम हर साल यहाँ मनाते हैं और लोगों को एक यहाँ से एक संदेश जाता है कि हमेशा आदमी को सत्य की राह पर चलना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। और बाकी जो दूसरा हम शस्त्र जो पूजा करते हैं, ये एक प्राचीन काल की एक हमारी परंपरा रही है कि जब हमारे योद्धा युद्ध के लिए जाते थे, और ये इस समय जो हमारा एक बरसात का जो सीज़न ख़त्म होता था और जो हमारे शस्त्र थे उनकी रख रखाव के लिए ये दिन भी एक मुकर्रर किया जाता था, और उसके लिए ये हम सब लोग अपने शस्त्रों की पूजा कर कर ईश्वर से ये प्रार्थना करते थे कि ये जो हमारे जो शस्त्र हैं ये अच्छाई के लिए काम आए, भारत की रक्षा के जो हमारी सुरक्षा के लोगों की सुरक्षा के लिए काम आए, ये जो हमारे शस्त्र हैं ये गलत इनका प्रयोग ना हो, और इस मकसद से ये दिन जो है हम हर साल यहाँ सभा में मनाते हैं। और आज भी उसी तरह आपने देखा कि बड़े हर्षोल्लास से इस दिन को मनाया गया, और मैं आज के इस दिन पर लोगों से यही अपील करूँगा और यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अच्छाई है, अच्छाई ठीक है, अच्छाई का जो असर है वो देरी से देखने को मिलता है, लेकिन हमें अच्छी सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, और उसमें हमें कष्ट जरूर मिलते हैं लेकिन अंत में सच्चाई की विजय होती है। और इसी सिलसिले में आज जो दशहरे का जो त्यौहार है, हम हर साल यहाँ शस्त्र पूजा कर कर हवन कर कर यहाँ मनाते हैं, और इस परंपरा को हम आगे भी ले जाएंगे। श्री अमृत क्षेत्रीय राजपूत सभा में शिव शस्त्र पूजा की गई, ये एक प्राचीन परम्परा है, राजे महाराजों के टाइम में भी ऐसा हुआ करता था, जो शस्त्रों की पूजा होती थी वो इन दिनों की जाती थी ताकि इनको कोई रस्ट वगैरह ना लगे और समय आने पर हम शत्रुओं का मुकाबला कर सकें। तो आज हमारा ये शस्त्र पूजा का दिन है, और इसके साथ ही आज जो दशहरा दिन है, इसमें अच्छाई की जीत है बुराई पर, ये एक प्रतीक है। इसमें जो हमारे आज के दिन रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ इनको भी ढलाया जाता है, तो जो भी पूज्य लोग थे लेकिन अपने रास्ते से भड़ गए थे, तो इसलिए इनको ये एक किस्म की सजा है। तो सभी लोग इनका ध्यान करते हैं, इन्होंने चूँकि अच्छा काम नहीं किया, शाही पर नहीं चले, ये भक्तों को और साधु संतों को भी अपने राज में उनको तंगशंग करते थे, तो पृथ्वी पर भगवान राम आए, उन्होंने इनका संहार किया और एक राम राज्य स्थापित किया। तो यही हमारी आज यही आप सभी से यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और अच्छाई पर चलना चाहिए।